यहाँ पर जो आपको दिख रहा है हाथी, इसी के नाम से ये पार्क प्रचलित है, इसीलिए यहाँ पे लोग इसे हाथी पार्क कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण राजभर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आए हैं हाथी पार्क में, जो कि प्रयागराज के सिविल लाइन्स में है हाथी पार्क। तो हम अपनी वाइफ के साथ आए हैं, तो घुमा जाए। हाथी पार्क में अंदर एंट्री करते ही कुछ ऐसा ही रास्ता दिखता है। यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक यहाँ पे घूमने आई है, और यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिख रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ से गायब हो चुकी हैं। तो आपको ये R और J लेटर दिख रहा होगा ना, तो यहाँ पे पूरा प्रयागराज लिखा हुआ था, और यहाँ पे प्रयागराज में बाकी लेटर गायब हो गए हैं और केवल R और J लास्ट के बचे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं, तो ये है। हालांकि वो होता तो और भी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे दिखता, और फोटो क्लिक करने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है ये। कुछ स्टैचू बने हुए हैं, ये गाय का स्टैचू है, गाय माता है। उसके बाद इधर जिराफ है। और सीता जी, आप कुछ एक्सप्लेन करना चाहेंगे इस पार्क के बारे में? इधर जेब्रा है। और कुछ अच्छा दिखाई दिया? हाँ, इधर एक गुफा है, इसके अंदर भी जा सकते हैं। और अभी शाम हो रही है, रोशनी थोड़ा थोड़ा कम होती चली जा रही है, तो बारिश का मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा है। चिड़ियाघर भी है, इसमें देखते हैं कौन कौन सी चिड़िया है। इस हाथी पार्क में ये बतख हैं, और बतख के बाद ये भी बतख है इसके अंदर। इसमें ये थोड़ा बड़ा बतख है, बतख ही है ना, क्या है पता नहीं। बतख ही है। इतने बड़ा क्यों है, इतना वो सब छोटे थे। चूहा। और ये क्या है? ये चूहा है। चूहा इतना बड़ा, और वो उसके बच्चे। चूहा नहीं लग रहा मुझे, कुछ और लग रहा है। चूहा ही है। इतना बड़ा है। चूहा ही है या खरगोश है, पता नहीं। नहीं, चूहा है। एक और चिड़िया है, इसका नाम यहाँ पे गिनी फॉल लिखा हुआ है, और ये दाना चुग रही है। और इसके अंदर कबूतर है, कबूतर इसका नाम लिखा हुआ है, सिराजी कबूतर यहाँ पर। तो ये कबूतर है। कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे फैंसी बटर ऑयल, लेकिन ये सब खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। एक और गुफा है यहाँ पर, ये। इसके बाद इधर कुछ झूले भी हैं, जो कि बच्चों के लिए हैं। ये आपको मैं दिखा दूँ, तो जो फैमिली के साथ आ रहे हैं, बच्चों के साथ आ रहे हैं, उनके लिए यहाँ बहुत कुछ है झूले, और बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं। वैसे तो पार्क का नाम है सुमित्रा नंदन पंत पार्क, लेकिन यहाँ पर जो आपको दिख रहा है हाथी, इसी के नाम से ये पार्क प्रचलित है, इसीलिए यहाँ पर लोग इसे हाथी पार्क कहते हैं। और इसमें झूला भी बना हुआ है, अंदर से पेट की तरफ से घुसते हैं लोग, और यहाँ पर उसके सूंड से बाहर आते हैं। और एक ये ट्रम्पोलिंग भी है यहाँ पर, जिसमें एक बच्चा कूद रहा है। तो छोटे बच्चों के लिए यहाँ काफ़ी सारे झूले हैं। ये एक स्लाइड है, बाकी बच्चों के लिए छोटे छोटे काफ़ी सारे झूले हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं यहाँ पर। तो फ्री में भी यहाँ पर झूल सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जिसका चार्ज यहाँ पे लगता है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया ट्रम्पोलिंग, और एक और झूला भी दिखाया था। इसके अलावा एक ये हेलीकॉप्टर वाला झूला है, इसमें भी बच्चों को झूलने का चार्ज लगता है, बच्चों के लिए ही है ये झूला। मज़ा आ रही पार्क। अभी ये जो दिख रहा है, एक पूल है, काफ़ी लंबा, काफ़ी बड़ा है, घुमावदार है, इधर से उधर, उधर से इधर। तो उधर उधर से जो पूल मैंने आपको दिखाया, पूल या तालाब जो भी कह सकते हैं इसे, उधर से घूमते हुए इधर साइड आया है, फिर इधर आया है, फिर आगे काफ़ी दूर तक उधर गया है। और ये आगे साइड में दिखाता हूँ आपको कि कितना छोटा सा इनका बोट है। अभी कुछ लोग चला भी रहे थे, हालांकि इसे मैं शूट नहीं कर पाया, लेकिन अभी मैं दिखाता हूँ। ये छोटा सा बोट है, दिख रहा है ना।
और इसका जो टिकट मैंने पूछा तो 60 रुपये का इसका टिकट है। 10-15 मिनट बस इसमें बैठने के लिए देंगे, और एक छोटा बच्चा एक बड़े, बस इतनी। बैठने की ये बेंच बना हुआ है, इधर साइड कुछ मार्केट टाइप का है, कैंटीन रेस्टोरेंट है, हाँ तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। गीता जी कुछ कहना चाहेंगी, हाथी पार्क में आपको घूम के कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है और मौसम इतना अच्छा है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। उसके बाद ये एक बैठने की जगह है, काफ़ी अच्छी जगह है, अभी तो बारिश हो गई है। ये है यहाँ की कैंटीन, यहाँ पे काफ़ी सी चीज़ें खाने के लिए मिल जाएंगी, कॉफ़ी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फास्ट फूड वगैरह। कैसा लग रहा है कॉफ़ी? कॉफ़ी का टेस्ट बहुत बढ़िया है, जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ही है। प्यारा यहाँ पे कूलर मिला है पीने के लिए, उतना ही प्यारा यहाँ पे कॉफ़ी, टेस्ट अच्छा है ना। तो आज हमने ये हाथी पार्क घूम लिया, बहुत मज़ा आई और बहुत ज़्यादा मज़ा आई। मौसम अच्छा होने की वजह से गर्मी भी नहीं लग रही थी, बारिश वाला मौसम था, इसलिए बहुत मज़ा आया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेगी।